जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम फोर्थ क्लास इंग्लिश ग्रामर में नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और टॉपिक का नाम रहेगा अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं, इसके कौन कौन से रूल्स हैं, इसके साथ कुछ एक्सरसाइज भी सीखेंगे और उसके कुछ एग्जांपल भी करेंगे, इसलिए पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, भारत विकास क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, प्लस ऑल को क्लिक करना ना भूलिए ताकि मेरी बनाई हुई वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप उसका भरपूर फायदा उठाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। शुरू करते हैं आज की क्लास अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं सबसे पहले ये जान लेते हैं। इससे पहले हमने वीडियो बनाई थी काउंटेबल नाउन्स की, ऐसे नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हैं। काउंट कर सकते हैं मतलब 1 2 3 4, वी हैव 4 पेन्स, We have 5 pencils, ऐसे नाउन जिनको हम नंबर से काउंट कर सकते हैं। नंबर्स मतलब 1 2 3 4, इनको बोलेंगे हम काउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन्स ऐसे नाउन जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, यानी जिनको हम नंबर से डिफाइन नहीं कर सकते। पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे फिर कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। Nouns that cannot be counted, cannot be counted, उनको क्या बोलेंगे? Uncountable nouns। कौन कौन से example हैं? Water है, sugar है, tea है और air है। Water, sugar, tea और air। अभी आपने देखा होगा कि जैसे पानी की अगर बात करें, क्या हम पानी को ये कहते हैं कि एक पानी, दो पानी, 3 water, 4 water, क्या अभी कभी ऐसा बोला है हमने? क्या कभी ऐसा बोला है 1 air, 2 air, 3 air, 4 air, क्या कभी ऐसा बोलते हैं? लेकिन हमने ऐसा जरूर बोला है 1 glass of water, 4 glass of water। अब यहां पर जो डिफाइन किया है ग्लास, वो है हमारा काउंटेबल नाउन, बट वॉटर दैट वी कैन नॉट काउंट, दैट मीन्स दिस इज अनकाउंटेबल नाउन। टी, वॉटर है, टी है, मिल्क है, ये सारी एक ही सेम सिमिलर सी चीजें हैं। शुगर है, फ्लोर है, ये सारी सिमिलर सी चीजें हैं, राइट। इनका क्या है? इनको हम काउंट नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई हमने इनको अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में डाला है। अब हम इसके कुछ नियम जान लेते हैं। पहला नियम क्या रहेगा? वी डू नॉट यूज ए और एन, हम ए और एन यूज नहीं करते अनकाउंटेबल नाउन के साथ, पहला नियम। साथ में क्या है कि अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्म यूजुअली नहीं होता, यूजुअली अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्म नहीं होता, और ए और एन हम अनकाउंटेबल नाउन से पहले यूज नहीं करते। कैसे, वो समझ लेते हैं पहले। जैसे कि एयर है, एयर हमारा एक नाउन है, राइट। अब ए किससे स्टार्ट हो रहा है? ए, अब एयर किससे स्टार्ट होता है? ए से। ए क्या है? वोवल। वोवल से पहले क्या लगाते हैं? एन, राइट। ये नियम हम पहली क्लास में, यानी फर्स्ट क्लास में ये वीडियो बना चुके हैं। जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखी वो जरूर देख लीजिएगा कि ए एन द का यूज कहां किया जाता है। अब देखिए, ए क्या है? वोवल। वोवल से पहले क्या लगाते हैं? एन, यानी, लेकिन ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है तो यहां एन नहीं लगाना। इसी प्रकार ये क्या है? शुगर। शुगर है, एस से शुरू हो रहा है, एस हमारा है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट से पहले हम लगाते थे ए, और ए हम अब हम नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। सेम, अब हमें इसका प्लूरल फॉर्म में भी एस या ईएस नहीं लगाना। किसके? अनकाउंटेबल नाउन के प्लूरल फॉर्म में एस या ईएस नहीं लगेगा। जैसे एयर्स, एयर्स, एयर्स नहीं होता, एयर होता है। कभी लिखा है क्या? कभी सुना है क्या? एयर्स, शुगर्स, वॉटर्स, नहीं। हम यूजुअली एस या ई एस का अनकाउंटेबल नाउन में यूज नहीं करते, एयर, शुगर। अब ये इनका समझने का पर्पस क्या है? यानी कि हमने नाउन्स तो पढ़े, कुछ काउंटेबल नाउन होते हैं, कुछ अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, लेकिन यानी अपनी गलतियों को कम करने के लिए कि कहां पर हमने नाउन में, नाउन के अंदर कहां एस लगाना है, कहां एस नहीं लगाना है, कहां ईएस लगाना है, कहां नहीं लगाना, इन सब को स्पेसिफाई कर दिया जाएगा। यानी गहराई में एंटर करना ही मेन पर्पस है। गहराई में एंटर करेंगे तभी रूल्स को अच्छे से समझ पाएंगे,
तभी ग्रामर बहुत अच्छे से स्ट्रोंग होगी और हमारी जो गलतियां हैं वो धीरे धीरे कम होती जाएंगी, राइट। नेक्स्ट नियम पढ़ लेते हैं, वी मस्ट यूज अदर काउंटेबल नाउन्स टू मेजर, यानी अनकाउंटेबल नाउन को मेजर करने के लिए हमें काउंटेबल नाउन की हेल्प लेनी पड़ती है। कैसे लेनी पड़ती है? अ ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर। अब एयर क्या है यहां? एयर तो हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन ब्रीथ क्या है? काउंटेबल नाउन है, तो यानी ब्रीथ एयर को डिफाइन कर रही है, राइट। एयर एयर हमने क्या सांस के थ्रू अंदर खींची, लेकिन जो ब्रीथ है दैट वी कैन काउंट, कितनी कितने सांस लिए, राइट। एयर दैट वी कैन नॉट काउंट, राइट। और 2 kilos ऑफ शुगर, शुगर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन 1 kg, 2 kg, 3 kg ये तो हम काउंट कर ही सकते हैं, मीन्स दिस इज काउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन फ्लोर है, 3 bags ऑफ फ्लोर, बैग क्या है हमारे? काउंटेबल नाउन है, ये भी हम काउंट कर सकते हैं, 1 bag, 2 bag, 3 bag, राइट, यस और नो। अब नेक्स्ट देख लेते हैं नियम क्या है। अब यहां पर नेक्स्ट जो रूल है, वी यूज द बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स ओनली व्हेन द थिंग्स आर रेफर टू द स्पेसिफिक और नॉट जनरल। एक स्पेसिफिक चीज को बताने के लिए हम अनकाउंटेबल नाउन से पहले द लगाते हैं, सीधी सी बात है। स्पेसिफिक चीज को बताने के लिए अनकाउंटेबल नाउन से पहले द लगाएंगे, जनरल चीज को बताने के लिए नहीं लगाएंगे। जनरल चीज को बताने के लिए हम अनकाउंटेबल नाउन से पहले द नहीं लगाएंगे, स्पेसिफिक चीज को बताने के लिए अनकाउंटेबल नाउन से पहले द लगाएंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं, द हनी इज इन द किचन। हमने बताया कि किचन के अंदर हनी है, स्पेसिफिक है, द हनी किचन के अंदर है, स्पेसिफिक बता दिया कि हनी किचन के अंदर है, लेकिन हनी इज गुड फॉर हेल्थ, सीधी सी बात है ना। तो अब किसी को खांसी हो गई, किसी को जुकाम हो गया, गले में खारिश है, कोई दिक्कत हुई, हनी को चाट लीजिए, राइट। ये जनरल सी बात है, तो यहां जनरल बातों में हम द नहीं लगाएंगे, किसके? हनी से पहले। बात समझ में आई? अगला नियम जान लेते हैं, वी कैन यूज मच, अ लिटल, अ लॉट ऑफ, सम एंड एनी। 5 words हैं, मच, अ लिटल, अ लॉट ऑफ, सम, एनी। इनसे यानी ये जो वर्ड यूज करने हैं अनकाउंटेबल नाउन से पहले, ये किस, ये जो वर्ड हमें अनकाउंटेबल नाउन से पहले यूज करने हैं, ये हमें बताते हैं क्वांटिटी को, इंडिकेट किस चीज को करते हैं? क्वांटिटी को। कितनी मनी है? मच मनी। रेन कितनी है? अ लिटल। बटर कितना है? अ लॉट ऑफ। एडवाइस कितनी है? सम। न्यूज कैसी है? एनी। बात समझ में आई? यानी इन वर्ड्स को हम किसी चीज को डिफाइन, इंडिकेट करने के लिए, क्वांटिटी बताने के लिए यूज करते हैं। बात समझ में? अब कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं। एक्सरसाइज करेंगे तो जो हमने नियम सीखे हैं वो हम अप्लाई भी करना सीखेंगे, राइट। वी नीड सम जूस फॉर द पार्टी। यहां देखो बेटा, सम लगा है और जूस भी है, वॉटर था, मिल्क था, जूस था, ये सब क्या है? ये सब हमारे स्पेसिफिक हैं, अनकाउंटेबल नाउन। और पार्टी क्या है? दैट वी कैन काउंट, साल में हमने कितनी पार्टी की है, 1, 2, 3, ये सब वी कैन काउंट, राइट। तो ये क्या है हमारा? काउंटेबल नाउन। नेक्स्ट क्या है? इज दैट सैंड ऑन योर ड्रेस। सैंड, जब हम पानी, एयर इनको काउंट नहीं कर सकते तो क्या सैंड को काउंट कर सकते हैं? नहीं। सैंड भी एक सिमिलर काइंड ऑफ चीज है। जब हम फ्लोर को, शुगर को काउंट नहीं कर सकते तो क्या सैंड को काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो सैंड हमारा क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। ड्रेस क्या है हमारी? काउंटेबल नाउन। नेक्स्ट क्या है? आई लाइक टू ड्रिंक चिल्ड मिल्क। यहां मिल्क आ गया बेटा, मिल्क को सर्कल कर दो, अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि वॉटर है हमारा, मिल्क है, जूस है, ये हम काउंट नहीं कर सकते ऑन अ हॉट डे, राइट। नेक्स्ट क्या है? आई फिल्ड द बॉटल विद वॉटर। यहां वॉटर अगेन अनकाउंटेबल नाउन, बॉटल हमारी काउंटेबल नाउन, बॉटल को तो काउंट कर सकते हैं, यस और नो। कैन यू पास मी द नाइफ टू कट द चीज। यहां जो नाइफ है हमारा ये है काउंटेबल नाउन, और जो चीज है ये है अनकाउंटेबल नाउन, उसको हम काउंट नहीं कर सकते। एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हुई, वीडियो भी हमारी कंप्लीट हुई, और मुझे उम्मीद है ये आपको एक्सरसाइज भी और पूरी वीडियो भी जरूर समझ आई होगी। और समझ आई है तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माता पिता से प्यार करें, देश से प्यार करें। वंदे मातरम।